नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म परीक्षा दृष्टि पर, जो रखता है परीक्षाओं पर पैनी नजर। साथियों, हम सभी लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित भर्ती, जिसे हम LT के रूप में जानते हैं, उसी के साथ में GIC भी आता है, तो LT और GIC की परीक्षाएं बहुत जल्दी ही, उनकी संभावित तिथियां और वैकेंसी आप सभी लोगों के बीच में आने वाली है। अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, कई बार उसके बारे में जानकारी भी समाचार पत्रों में मिल चुकी है। परीक्षा दृष्टि के इस YouTube प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों को गत वर्षों में जो भी परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराई गई और अनेक अच्छे से रिजल्ट्स भी आपको प्राप्त हुए। इसी प्रक्रम में इस बार भी, इस वर्ष भी बहुप्रतीक्षित भर्ती, जो चाहे जब आ सकती है वैकेंसी, उसके लिए आपका ये विश्वस्त संस्थान आपके लिए एक बार पुनः अपने सामाजिक विज्ञान जो सोशल है, उसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, अन्य जो भी वैकेंसीज हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको लेकर आपके बीच में बिल्कुल फिर से कमर कस के तैयारी कराने के लिए आ चुका है। और साथ ही साथ, इससे पहले मैं आज के सिलेबस के डिस्कशन की शुरुआत करूं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके मार्केट में परीक्षा दृष्टि संस्थान से निकला हुआ यह प्रैक्टिस सेट मार्केट में धूम मचा चुका है और इसे आप जल्दी से जल्दी खरीदें, ताकि सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा होने वाली है, TGT की परीक्षा, उसमें भी आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो आज हम सभी लोग शुरू करेंगे जो हमारा पाठ्यक्रम है। आज हम सभी लोग LT के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे और इस LT के पाठ्यक्रम के माध्यम से हम सभी लोग एक बार जुड़ने का प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्दी हमारा बैच लॉन्च होने जा रहा है और इस बैच में आप सभी लोग दिए गए नंबर्स पर अपनी इंक्वायरी करके नया बैच प्राप्त करने के लिए सारी जानकारी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और समाज विज्ञान के, मतलब सोशल के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके सारे पार्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के इस डिस्कशन की शुरुआत करेंगे हम सभी लोग। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा कोट दिया हुआ है, गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। लिखा गया है, गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है। यह वास्तव में भाई, शिक्षा का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग कैसा करेंगे, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे महान वैज्ञानिक और हमारे अनेक अनुसंधानकर्ता अच्छी अच्छी चीजों को इजाद करते हैं, कोई उसी से मानव कल्याण के लिए एक अच्छी सी प्रौद्योगिकी तैयार कर देता है, तो कोई आतंकवादी बन जाता है। खैर, आज के डिस्कशन की शुरुआत करेंगे हम सभी लोग इतिहास के सिलेबस से। हमारा जो भारतीय इतिहास है, इस भारतीय इतिहास पर हम सभी लोग चर्चा करते हुए आज जानेंगे कि हमारे LT के नवीनतम, हमारा जो LT का नवीनतम पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, इस नवीनतम पाठ्यक्रम में क्या क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पाठ्यक्रम की जानकारी। हमारे इस पाठ्यक्रम में सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर हम देखेंगे कुल मिला के 22 खंडों में, 22 पॉइंट्स में ये विभाजित है हमारा जो पाठ्यक्रम है। इसमें सबसे पहला दिया हुआ है, भारत की पूर्व ऐतिहासिक संस्कृतियों की मुख्य विशेषताएं। भारत की पूर्व ऐतिहासिक संस्कृतियों की मुख्य विशेषताएं। स्पष्ट रूप से इतिहास का अध्ययन 3 भागों में किया जाता है, प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, कैसा, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, यहां पर 3 प्रविधियों से इतिहास का अध्ययन ये पूरे विश्व भर में किया जाता है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया जा रहा है, सबसे पहला पॉइंट दिया है प्राग ऐतिहासिक, मतलब पूर्व ऐतिहासिक संस्कृतियों की मुख्य विशेषताएं। तो पूर्व ऐतिहासिक में ये दोनों आ जाएंगे, एक तो प्राग ऐतिहासिक आ जाएगा और आद्य ऐतिहासिक आ जाएगा। तो पूर्व ऐतिहासिक है, इसके अंतर्गत हम सभी लोग पूरे पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद आद्य ऐतिहासिक में जो प्राग ऐतिहासिक या पूर्व ऐतिहासिक है, उसका सीधा सा
संबंध क्या है? जिस कालखंड में मानव बिल्कुल पशुवत जीवन व्यतीत करता रहा हो, उसके पास लेखन तथा पठन की कोई जानकारी न हो, वो प्रागैतिहासिक काल है। इसके बाद दूसरा चरण जो आता है, जिसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसकी मूल परिभाषा है इतिहास का वह कालखंड जहां पर मानव लेखन कला से परिचित तो हो गया, लेकिन उसके लिखी हुई बातों को आज तक हम सभी लोग पढ़ नहीं पाए, वो आद्य ऐतिहासिक काल है। और ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जहां से लेखन तथा पठन दोनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और जिसका पठन और वाचन हम आज भी कर पा रहे हैं, वो ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता है। तो यहां पर भारत की पूर्व ऐतिहासिक संस्कृतियों की मुख्य विशेषताएं, मतलब पाषाणकालीन, और मानव विकास का क्रम भी इसी में हम पढ़ेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे मुख्य रूप से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मतलब इसके मुख्य नगरों में जरा ध्यान दीजिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का तो आपको पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करना है, यहां से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर पत्थर की मूर्तियां, इस सभ्यता में बनी हुई पत्थर की मूर्तियां और टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी की बनी मूर्तियां, जिसे मृण मूर्तियां भी कहा जाता है, और वहां से प्राप्त मुहरें। और साथ साथ यहां पर कौन सा धर्म था, यहां के धर्म के बारे में भी चर्चा की गई है। यहां ये दो खंडों में विभाजित है, एक तो जो प्राग इतिहास है वो सिर्फ एक खंड में, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता मतलब आद्य ऐतिहासिक खंड है, ये 3 से 4 खंडों में विभाजित है। आगे देखेंगे प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीति, तो जरा ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में हमें पूरे वैदिक एरा के बारे में जानकारी मिलती है, वैदिक काल। और इस वैदिक काल में दो भाग बनाए गए हैं, एक भाग है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, जिसे हम कहते हैं ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, और इसके बाद का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल मतलब धार्मिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, समाज का बिखराव, लोगों का एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार, ये सब किस में आता है? ये उत्तर वैदिक काल की स्थिति में आता है। तो इसी कारण यहां देखिए दिया क्या गया है, इसी कारण यहां पर जो है देखने के लिए हमको क्या मिल रहा है, हमको देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में कुल मिलाकर कहां गया भाई, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में ऋग वैदिक काल और उसके बाद हुए जो भी परिवर्तन हैं, राजनीति में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और धर्म में परिवर्तन, यहाँ पर धर्म सबसे प्रमुख बात है उत्तर वैदिक काल में। जो ऋग वैदिक काल का सारा जो परिवर्तन है वो धार्मिक आधार पर सारे के सारे परिवर्तन यहाँ पर हो रहे हैं, और उसे राजनीतिक व्यवस्था, उसी धर्म के कारण राजनीतिक व्यवस्था चलाई जा रही थी। तो यहां पर प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तन। और इसके बाद का जो दिया हुआ है आपका सिलेबस, आपका जो पाठ्यक्रम है, उसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको दिख रहा है जैन धर्म, जिसे हम सामान्य रूप से धार्मिक आंदोलन के रूप में जानते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म की मुख्य विशेषताएं। तो मुख्य विशेषताएं अगर पढ़नी है तो पहले उसके मूल तथ्यों को भी जानना है। जैन धर्म संस्थापक, इसमें तीर्थंकर, जैन धर्म के नियम, त्रिरत्न, फिर बौद्ध धर्म संस्थापक कौन है, इसके नियम कौन से हैं, इनसे संबंधित साहित्य क्या हैं, सारी ये विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएंगे। वैष्णव धर्म, फिर शैव धर्म, इसके जो छोटे छोटे समुदाय हैं उनके बारे में भी हमको चर्चा करनी होती है, और वहाँ से लगातार हमको प्रश्न भी मिलते हैं। फिर अब जरा ध्यान से देखिए, इसके बाद आपके सिलेबस को छोटा कर दिया गया है। इस कारण छोटा कर दिया गया है क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस पहले था, और यहाँ पर मूल लोगों से, जो मूल शासक हैं, विशेष शासक हैं, उनसे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जरा ध्यान दीजिए, जैन, बौद्ध, वैष्णव और शैव के बाद सीधे आप मौर्य काल पर पहुंच रहे हैं, मतलब मगध राज्य के उत्कर्ष में जो वंश हैं, वो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, कण्व है,
और इसके बीच में आप देखेंगे नंद वंश है, इन सारे वंशों को हटा दिया गया है, मतलब इनसे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, इनडायरेक्ट आपका बौद्ध धर्म के जो प्रभावी शासक थे उनका नाम आ सकता है, इनडायरेक्टली कुछ पूछे जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट रूप में आपको यहां क्या मिल रहा है, सीधे मौर्य काल मिल रहा है। मौर्य काल मतलब नंद वंश के बाद से सीधे शुरुआत हो रही है मौर्य काल की, और इस मौर्य काल में आप मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां देखेंगे, विदेश में ससुराल बना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य, इतना हल्का आदमी नहीं था ये, आगे देखेंगे उनका प्रशासन, इनका जो प्रशासन था मेघस्थनीज के द्वारा वर्णन जो किया गया है कि 6 समितियों के द्वारा इसका पूरा प्रशासन चलता था, और उस प्रशासन में प्रत्येक समिति में 5 लोग हुआ करते थे जो, और सार्वजनिक कार्य इसके द्वारा, सार्वजनिक कार्य अगर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय सार्वजनिक कार्य, तो सबसे पहला व्यक्ति वही मिलेगा आपको इतिहास में जिसने जनगणना कराई, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले लोगों के लिए अन्नागार बनवाए वो यही व्यक्ति था, और राशनिंग की प्रणाली अगर देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में आपको मिलेगी। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार, तो बिंदुसार का नाम सीधे नहीं दिया गया है, फिर अशोक के शिलालेख, अशोक का धम्म, उसके परोपकारी कार्य, फिर अशोक की मूल व्यवस्था जो थी, और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, अशोक के बाद सीधे मौर्य साम्राज्य के पतन पर आ गया, मतलब बृहद्रथ तक की चर्चा की गई है, लेकिन इसमें मूल रूप से सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है, अशोक पर आपको सबसे अधिक फोकस करना है, अशोक के सभी शिलालेख और अशोक के जितने भी शासन के क्षेत्र थे उस पर एक एक करके, तथा साथ में परोपकारी कार्य भी उसका पूछा गया है, तो उसके शिलालेखों से हमें ठीक ढंग से अध्ययन करके एक एक तथ्य की जानकारी लेना है। अगले पॉइंट पर देखेंगे गुप्त राजवंश। अब जरा ध्यान दीजिए, मौर्यों के बाद बीच में सातवाहन, वाकाटक, इन लोगों को हटाकर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ क्वेश्चन हो सकता है आ जाएं इनसे संबंधित हो, लेकिन यहां पर आपको सीधे मिल रहा है क्या, गुप्त राजवंश राजनीतिक इतिहास। गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास अगर हम देखेंगे तो हमको घटोत्कच से मिलना शुरू होता है, तो इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आ जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये मूल गुप्त वंशीय शासक हैं। इसके बाद परवर्ती गुप्त शासक आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, परवर्ती गुप्त शासक आते हैं। अब कुछ मुख्य शासक इसमें भी थे, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, भानुगुप्त, इन लोगों के नाम की चर्चा नहीं की गई है। यहां पर हूणों के आक्रमण का प्रभाव, तो स्कंदगुप्त के समय में, कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र स्कंदगुप्त के समय में हूण, जो मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी, उसका एक नेता था जिसका नाम था खुशनमाज, क्या नाम था, खुशनमाज, इसके नेतृत्व में हूणों का आक्रमण हुआ, और यहां पर चर्चा होती है क्या, गाजीपुर जनपद में हूणिहार नामक स्थान जिसका वर्तमान नाम औड़िहार हो गया है, वहीं पर स्कंदगुप्त ने हूणों को हराकर भारत से बाहर भगाने का प्रयास किया था और भगाया भी था। इसके विषय में जो विशेष लेख मिलता है वो भीतरी स्तंभ लेख मिलता है जो गाजीपुर जनपद में सैदपुर भीतरी में है, ठीक है, तो इसके बारे में स्कंदगुप्त के विषय में सारी जानकारी मिल जाती है। और फिर गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, स्वाभाविक सी बात है जिस भी शासक वर्ग में राजनीतिक सक्रियता और नहीं होगी और वो आक्रमण्य होंगे, स्वाभाविक रूप से उनके साम्राज्य का पतन हो जाना है, तो पतन के कारण यहां पर। और इसके बाद सीधे चोल काल, हम दक्षिण भारत में पहुंचेंगे 9वीं-10वीं शताब्दी में, चोल काल। चोल काल में तो स्पष्ट रूप से नाम दे दिया है, राजराज प्रथम, मतलब 985 से 1014 तक शासन किया किसने, राजराज प्रथम ने, इसके बाद उसके पुत्र राजेंद्र चोल 1014 से लेकर 1044 तक, फिर स्थानीय स्वशासन, चोल कला और संस्कृति, मतलब आपको चोलों के विषय में तो पढ़ना है लेकिन दो शासकों के विषय में सबसे विशेष रूप से पढ़ना है, इनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है, राजराज प्रथम श्रीलंका तक साम्राज्य, और राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल जो आज वर्तमान में सिंगापुर जिसे हम कहते हैं वहां तक के साम्राज्य की। किसी भी भारतीय शासक ने जिसने विदेश पर आक्रमण करके उसे अपना उपनिवेश बनाया वो एकमात्र शासक राजेंद्र चोल था। इसने बंगाल के शासक महिपाल पर आक्रमण किया और गंगा का विजेता बना, स्वयं को गंगे कोंड
घोषित किया और उसके विषय में गंगे कोंड चोलपुरम नगर बसाया और चोलों की गंगा नामक बहुत बड़ा तालाब बनवाया। तो ये राजेंद्र चोल और राजराज प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि में क्या था, बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और इनका स्थानीय स्वशासन नगरम कोट्टम नाड वलनाडु, इसके बारे में हमको चर्चा करना है, ठीक है। और चोलों की कला तथा संस्कृति में हम सभी लोगों को एक एक तथ्य करके देखना पड़ेगा। आगे हम एक चीज और देखेंगे। अब तो पूर्व मध्य काल, आठवें पॉइंट पर स्पष्ट रूप से क्या दे दिया गया है, पूर्व मध्य काल जिसमें अरब आक्रमण और उसका प्रभाव। तो वर्तमान तत्कालीन वर्तमान स्थिति में क्या अरब आक्रमण सबसे पहले कौन, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम 712, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 711 में हुआ, 712 में युद्ध हुआ राजा दहिर से, सिंध के राजा दहिर से युद्ध हुआ जिसको रावर का युद्ध कहा जाता है। और फिर गजनवी के आक्रमण, मतलब इसके 17 आक्रमण डॉक्टर इलियट महोदय के द्वारा जो बताया गया उस पर चर्चा होगी, और मोहम्मद गोरी का आक्रमण, मोहम्मद गोरी, फिर मोहम्मद गोरी के आक्रमणों की चर्चा 1172 के बाद से इसके आक्रमणों की चर्चा, शुरुआती आक्रमणों में ये सफल नहीं रहा। वैसे भारत में इसको पहली बार बुरी तरीके से पराजित किया 1178 ईस्वी में चालुक्य वंशीय शासक भीम ने नहरवाला के युद्ध में माउंट आबू के निकट कयात्रदा नामक गांव में 1178 में हरा के इसको भेजा था, इसके बारे में चर्चा। अब इसके बाद शुरू हो जा रहा है मध्यकालीन भारत, इसे हम मध्यकालीन भारत के रूप में जानेंगे, जिसमें दिल्ली सल्तनत, राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अब ये दो लोग मूल रूप से कहां आ रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और बलबन, ये आ रहे हैं गुलाम वंश में, गुलाम वंश के लोग। अगला क्या है, अलाउद्दीन खिलजी, मतलब एक शासक, सिर्फ खिलजी वंश में एक शासक को आपको पढ़ना है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन के बारे में पढ़ना है। तो एक चीज इसमें स्पष्ट हो जाएगा, इसके बाप का या इसके पूर्वज के विषय में तथा इसके उत्तराधिकारियों के विषय में अलाउद्दीन, और इसके बाद आप देखेंगे क्या नाम था उसका, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, इन लोगों के बारे में चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। आगे मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक मूल रूप से नहीं है, फिर भी अगर मोहम्मद तुगलक के बारे में अध्ययन करना है तो गयासुद्दीन तुगलक का नाम स्वाभाविक रूप से आएगा क्योंकि उसका पुत्र था। और फिर फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश में, चूंकि ये रज्जब का पुत्र था, मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का लड़का था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के बाद तुरंत यहां तैमूर के बारे में चर्चा हो गई। तैमूर का आक्रमण 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक के समय, और फिर सैयद वंश की स्थापना कौन कर रहा है, खिज्र खां, और खिज्र खां के बाद फिर लोदी वंश, मतलब लोदी वंश की स्थापना जो प्रथम अफगान बहलोल लोदी, अगर प्रथम अफगानों के बारे में देखेंगे तो बहलोल लोदी के द्वारा राजवंश की स्थापना हुई, उसका पुत्र सिकंदर लोदी, और उस सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र आ रहा है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के बाद यहां देखेंगे क्या है, इब्राहिम लोदी के बाद आपका यहां पर सीधे बनेगा क्या, मुगल राजनीति। अब मुगल कौन है, ये मंगोलों की ही संतान है, किसकी संतान है, मंगोलों की ही संतान है, यहां बाबर का नाम आएगा क्योंकि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में और उसका जीते हुए क्षेत्रों का वली अहद बनाया था, किसको, जीते हुए क्षेत्रों का वली अहद उसने बनाया था जो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। जब बाबर का समय आया फरगना में, चूंकि बाबर तैमूर का ही वंशज था, तैमूर के लड़के का नाम था शाहरुख मिर्जा, शाहरुख के पुत्र का नाम था सईद बेग के पुत्र का नाम था मुल्ला उमर शेख और उमर शेख के पुत्र का नाम था बाबर। तो तैमूर का उत्तराधिकारी होने के कारण बाबर भारतीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार मानता था, इसी कारण उसने भारत पर आक्रमण किया। हालांकि उसने लोदियों के पास संदेश भेजा था लेकिन उस संदेश वाहक के साथ दुर्व्यवहार किया दौलत खां लोदी ने। तो बाबर मतलब 1526 से 30, इसके बाद हुमायूं
1530 से लेकर 40 और फिर एक वर्ष 55 से 56। अकबर 1556 से लेकर 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से लेकर 1658 और 1658 से लेकर 1707 तक कौन है? औरंगजेब। मतलब मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों तक हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। एक चैप्टर स्पेशली मुगल वंश, अगर हम इसे कह दें कि मुगल वंश की संपूर्ण जानकारी, तो यहीं से हमको लगातार जो प्रश्न मिलते रहे हैं, सर्वाधिक प्रश्न मध्यकालीन इतिहास से यहीं से मिलते हैं। अगला बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की चर्चा हम करेंगे क्योंकि बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में करता है कौन? अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू। ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। इससे पहले 1336 में हरिहर और बुक्का ने क्या किया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और फिर मराठों के उत्थान के बारे में देखेंगे। मराठा शक्ति में सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई किसने? शिवाजी ने। जब शिवाजी का नाम आएगा तो शिवाजी के वंशज आएंगे, पूर्वज आएंगे और शिवाजी के अष्ट प्रधान आएंगे, पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद आएगा शिवाजी में। और फिर मध्यकालीन संस्कृति, धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कला वास्तुकला तथा साहित्य। तो सूफीवाद की चर्चा जैसे होगी तो हम सभी लोग 1191 के बाद की घटनाओं पर चर्चा करेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, फिर इसके बाद मंसूर बिन हल्लाज और अनेक जो सूफीवाद की परंपराएं हैं, जो सिलसिले हैं उनके बारे में। और भक्ति आंदोलन की बात करेंगे तो कबीर, सूरदास, रैदास, है ना, इन लोगों के साथ साथ महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, इन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। वर्करी और धरकरी संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे और फिर कला और वास्तुकला। हाँ, बंगाल में अचिंत्य भेदा भेद के संस्थापक गौड़ीय, मध्य गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ये जो मध्यकालीन संस्कृति है, ये मध्यकालीन संस्कृति एक ऐसा चैप्टर है जो हमें हमारे पूर्व समाज के बारे में एक एक करके, एक एक तथ्य के बारे में चर्चा करके हमारी संस्कृतियों से हमें परिचित कराता है। ठीक है, वैसे इतिहास एक ऐसा विषय ही है जो हमें हमारी प्राचीन संस्कृतियों से अवगत कराता है और ये बताने का प्रयास करता है कि हमारे पूर्वजों ने कौन से अच्छे कार्य किए जिससे हमें सीख लेनी चाहिए और कौन से बुरे कार्य किए जिससे हमें सीख लेकर उसे दोबारा न करने का प्रण लेना चाहिए। ठीक है, वैसे इतिहास की परिभाषाओं में जब देखेंगे तो ब्यूरी महोदय ने कह दिया है कि इतिहास विज्ञान है, ना कम है ना ज्यादा। और वहीं ईएचकार महोदय ने कहा है हिस्ट्री इज द कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। यह बात बिल्कुल सही है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। तो अब मध्यकालीन समाज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार आ ही जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास। भाई विकास है तो पहले स्थापना भी देखेंगे। आधुनिक भारत में कृषि, व्यापार और उद्योग किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारतीय आधुनिक भारत में अपने प्रयोगार्थ, अपने हितों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में अलग अलग तरीके की खेती कराने का प्रावधान तो किया, लेकिन उससे भारतीय जनमानस लाभान्वित नहीं हुआ बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन का उपनिवेशवाद वह लाभान्वित हुआ। यह हमको यहाँ हमारा परिचर्चा का विषय रहेगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, मतलब हम देखेंगे कि 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में मैकाले और मैकाले की शिक्षा नीति, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत, फिर वुड डिस्पैच के बाद हंटर कमेटी के बाद सैडलर आयोग और फिर स्वतंत्र भारत तक आते आते राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, इन सब पर हम लोगों को चर्चा करना है। और इसके बाद ये दो पार्ट ऐसे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, तीन पार्ट 1857 का विद्रोह, कारण, प्रकृति और प्रभाव, दूसरा आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन और तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीन पॉइंट आपके ऐसे हैं जहां से 2021 में
पीजीटी की परीक्षा में कुल 21 क्वेश्चन आए थे। अब आप इनकी औकात यहां पर जान लीजिए क्या है। 1857 का विद्रोह, आधुनिक भारत में पुनर्जागरण और सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन, और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहां से कुल 21 प्रश्न आए थे जो आपको एक बड़ी लीड दिला सकते हैं। 1857 का विद्रोह कहां कहां हुआ, क्या कारण रहे, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक। राजनीतिक कारण में सबसे पहले डलहौजी की हड़प नीति देखेंगे, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, करौली, नागपुर और फिर अवध का विलय। इसके बाद उसी समय 1852 में उसके द्वारा लाया गया इनाम कमीशन, 1850 में उसके डलहौजी के द्वारा लाया गया लेक्स लॉकी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2021 में, लेक्स लॉकी, धार्मिक निर्योग्यता कानून, 1854 में डाकघर संशोधन अधिनियम। इन सभी के द्वारा भारतीयों का जो शोषण हुआ, इन शोषण की ही वजह थी 1857 की क्रांति। मतलब 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध से, 23 जून 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर 10 मई 1857 तक की जो भी घटनाएं थी, वो सब अंग्रेजों के, जो स्वयं अंग्रेजों के द्वारा ऐसी विभत्स जो घटनाएं की गई थी जिससे भारतीय जनमानस लगातार आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक सभी रूप से प्रताड़ित हुआ था, उसी की देन थी। इसकी प्रकृति के बारे में और प्रभाव के बारे में। आधुनिक भारत में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का नाम लेते ही राजा राम मोहन राय का नाम आ जाएगा, रेनेसा। और सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन, तो सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन में हम सबसे पहले ब्रह्म समाज, सबसे पहले तो हम आत्मीय सभा के बारे में चर्चा करेंगे, फिर ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, इसके बाद राधा स्वामी सत्संग, देव समाज, वेद समाज, है ना, इन और प्रार्थना समाज, इन सभी के बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। यहाँ के बारे में एक एक तथ्य आपको आपकी परीक्षा में लीड दिलाएंगे, लीड। और फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो, ये तीन तो दे दिए गए हैं 1921, 1930 और 1942। अब ये तीन गांधीवादी आंदोलनों का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो कांग्रेस के तीनों चरण, कांग्रेस की स्थापना, तीनों चरण के बारे में पढ़ना है। सिलेबस थोड़ा सा आपका छोटा जरूर कर दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़े से एक एक शब्द जोड़कर इसका विस्तार जरूर कर दिया गया है। सिलेबस के पॉइंट्स छोटे हैं, लेकिन इसके अंदर जाने की प्रक्रिया ज़्यादा बड़ी कर दी गई है। चलिए अगले पॉइंट को देखेंगे, एम के गांधी, बी जी तिलक का राष्ट्रीय योगदान, आंदोलन में योगदान, और गोखले तथा एस सी बोस। तो ये चार पांच नाम स्पेशली मिल रहे हैं, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और एस सी बोस, चार लोगों का सबसे मुख्य रूप से नाम दिया गया है। तो स्पेशली इन चार लोगों से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे क्या है, स्वतंत्रता की उपलब्धि, क्रिप्स मिशन और माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन 1942 और क्रिप्स मिशन से माउंटबेटन योजना। तो क्रिप्स मिशन, फिर इसके बाद बेबल की योजना आ जाएगी, ठीक है, बेबल योजना, शिमला समझौता, और फिर इसके बाद अगला नाम आपका आ जाएगा, हम जैसे ही संविधान निर्माण की चर्चा करेंगे उस पर हमें चर्चा करनी है, संविधान निर्माण से संबंधित, और माउंटबेटन योजना में जिसे बालकन प्लान के नाम से जाना जाता है उस पर भी चर्चा होगी, और आज़ादी के बाद 1950 ईस्वी तक का भारत, मतलब भारत में संविधान निर्माण से लेकर भारत के गणराज्य होने तक की व्यवस्था, इतना आपको अध्ययन करना है इन 22 पॉइंट्स में। तो सिलेबस थोड़ा सा सीमित किया गया है, लेकिन पॉइंट्स के दायरे बढ़ाए गए हैं, इसे आपको ध्यान से समझना है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हम और हमारे संस्थान ने पिछली परीक्षाओं में बेहतर परिणाम दिए हैं, बेहतर कार्य किए हैं, इस परीक्षा की तैयारी में उससे भी बेहतर परिणाम देने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग दिए गए नंबर्स पर, हमारा जो नंबर है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप सभी लोग इंक्वायरी करें, और शीघ्र ही आप सभी लोगों को शीघ्र ही हमारे यहाँ से बैचेस प्रारंभ करके दिए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है सिलेबस आपको समझ में आया होगा, और मिलेंगे अगली बार पूरी व्यवस्था के साथ अपने इस संस्थान की और इस परीक्षा की तैयारी के विषय पहले लेक्चर के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए, और अध्ययन में रत रहिए, अपने तथा अपनों का ख्याल रखिए, और अपने इस विश्वस्त संस्थान के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखिए। जय हिंद।